वेलकम टू VTR क्लासेस। आज का वीडियो एक DIY प्रोजेक्ट है और एक ये वॉल हैंगिंग है जिसको मैंने बहुत ही कम कॉस्ट में घर में रखे हुए सामान की हेल्प से बनाया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये है हमारा आज का DIY जिसमें मैंने बनाया है एक वॉल हैंगिंग, है ना ब्यूटीफुल। तो चलिए सीखते हैं इसी वॉल हैंगिंग को बनाना। इस वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए मैंने जो घर में रखी हुई चीजें इस्तेमाल की हैं वो है केक बेस, और इसकी बेल्स को बनाने के लिए हमने यूज किया है हार्पिक की बॉटल का ढक्कन और शिल्पकार क्ले या एयर ड्राई क्ले। तो सबसे पहले हम केक बेस में अच्छी तरह से ग्लू लगा के, वाइट ग्लू लगा के या फेविकोल लगा के, इस तरह से रोप को, कॉटन की रोप है ये वाइट कलर की, इसको कॉइल फॉर्म में चिपका लेंगे। और पूरा अच्छी तरह चिपकाने के बाद में हम इसके यहाँ से इसको कट कर लेंगे जो जब कंप्लीट हो जाएगा तो। और अब हम बनाते हैं इसकी बेल्स। तो जो मैंने बेल्स बनाई हैं हार्पिक के बॉटल के कैप से। मैंने नई बॉटल के ही कैप्स निकाल लिए थे और उसमें मैंने पुरानी कैप्स लगा दी थी तो हमें एकदम फ्रेश कैप्स हमें मिल गई। अब हमने लिया है एयर ड्राई क्ले और इसको इस तरह से हम इसमें चिपका देंगे अच्छे तरीके से। ग्लू भी लगा सकते हैं, और अगर आप इसमें इस वक्त वाइट ग्लू नहीं लगाते हैं तो भी ये अच्छी तरह चिपक जाता है, काफ़ी स्टिकी होता है ये एयर ड्राई क्ले। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट देंगे और उसको बेल शेप हम देंगे। इस तरह से हम पेन की हेल्प से इसमें शेप ले लेंगे। और ऊपर का पार्ट हमें बंद नहीं करना है इसका मुँह, क्योंकि वहाँ पर हमने उसको प्रिक करके बाद में गरम तार हम इंसर्ट करके छेद कर लेंगे। और इस तरह से अब हम स्केच पेन की हेल्प से इसमें कुछ पैटर्न बनाएंगे। अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो मैं स्केच पेन की कैप से इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। इसमें आप चाहें तो बीड्स और मोती भी चिपका सकते हैं इसको और हैवी लुक देने के लिए। तो मैं देखिए इसमें अब मोती चिपका रही हूँ, और जिस बॉक्स में मैंने मोती रखे हैं ये भी मेरा एक DIY प्रोजेक्ट है जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने क्रीम बॉक्स से इस तरह से गिफ्ट बॉक्सेस बनाना सिखाया था। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं DIY वाले में। और इस तरह से हम ये वाला बेल भी तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है इसको कलर करने की। तो कलर में हमने कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया है और यूज़ किए हैं एक्रेलिक कलर्स। मैंने यहाँ ट्यूब वाले यूज़ किए हैं, आप चाहें तो बॉटल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा टचअप देंगे येलो एंड गोल्डन का। तो जो आपका ब्रश या फिंगर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको वैसे डिप ना करें, क्लीन वाला डिप करें जिससे कि आपका गोल्डन कलर ख़राब ना हो। और ये तैयार हो गई हमारी बेल। अब हम ड्रॉ करते हैं एक गत्ते के ऊपर मछली का शेप। मैंने ये स्वीट का बॉक्स लिया है, आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सिल्वर फॉइल से इसको फिल करेंगे। तो इस तरह से हमने उसको क्रम्बल कर लिया है और उसको चिपका देंगे इसके ऊपर। तो सिल्वर फॉइल ऐसे लगाने से क्या होगा, एक तो इसका वज़न कम हो जाएगा तो जब हम चिपकाएंगे तो इसको लटकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और दूसरा हमारी जो शिल्पकार क्ले है ये भी कम लगेगी। तो इस तरह से हम इसको शिल्पकार क्ले से अब कवर कर देंगे। जब ये अच्छी तरह कवर हो जाएगा तो अब हम इसमें कुछ डिटेलिंग करेंगे।
और डिज़ाइन बनाएंगे। जब ये सेमी ड्राई होगा, एकदम सूखने नहीं देना है, गीले में ही हमने इसको बना लेना है क्योंकि बहुत जल्दी ये सूख जाता है। तो इस तरह से हम फिश के ऊपर पैटर्न बना लेंगे। ये पैटर्न इम्पॉर्टेंट तब हो जाएंगे जब हम इसमें कलर करेंगे, तो हमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग कलर करना होगा, तो हमें आसानी हो जाएगी और ये वैसे भी इसको ब्यूटीफुल बनाएगा ये पैटर्न। तो ये पेंसिल से मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से डॉट बना ले रही हूँ, कुछ मैंने स्केच पेन के ढक्कन से बना लिए हैं, और इस तरह से हम इसकी बॉडी में भी कुछ पैटर्न्स बना लेंगे। पैटर्न अगर बिगड़ जाए या बहुत ज़्यादा उभर जाए तो उसको आप गीले हाथ करके पानी से, फिंगर से आप उसको स्मूथ कर सकते हो। तो इस तरह से हमने इसके पैटर्न्स भी बना लिए हैं। अब गूगली आई हम इसमें लगा देंगे। गूगली आई आपके पास नहीं है तो आप एयर ड्राई क्ले से भी आई बना सकते हो। अब हम इसका यहाँ पे मुंह भी बना लेंगे फिश का। और अब ये सूख गई है, आधे और एक आधे एक घंटे में ये सूख जाएगी। अब हम इसके ऊपर कलर कर लेंगे। कलर अपनी चॉइस का कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस जो है वो लाइट कलर का है, तो हम इसके ऊपर ब्राइट कलर्स करेंगे और ब्राइट कलर करने से ये बहुत सुंदर दिखेगी। तो इस तरह से हमने अपनी चॉइस के इसमें कलर कर लेने हैं। इसमें भी हमने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। एक कलर यूज़ करने के बाद जब आप दूसरा कलर लोड करें तो ब्रश को अच्छी तरह धो के कॉटन के कपड़े से पोंछ के फिर दोबारा यूज़ करें। अब हम इसकी डिटेलिंग कर लेंगे। जो हमने गड्ढे पेंसिल से बनाए थे उनमें कलर कर लेंगे। अब ये सूख चुकी है, अब हम इसको ऐसे चिपकाएंगे जिससे कि जो इसका एंड है ये नज़र ना आए, इसकी पूंछ से वो छुप जाएगा जहाँ पे फिनिश हुआ था। ये अच्छी तरह चिपकने के बाद में अब हम इसके ऊपर कर लेंगे वार्निश। वार्निश हम इसमें पहले भी कर सकते थे। अब हम असेंबल करेंगे इसकी बेल्स। तो बेल असेंबल करने के लिए मैंने कुछ बीड्स लिए हैं और धागा हमने थोड़ा सा नॉर्मल धागे से मोटा लेना है। जो रील वाला धागा होता है वो नहीं लेना, थोड़ा थिक धागा लेना है जिससे वो इसका वज़न कैरी कर ले। अब हम इसमें नॉट भी लगाएंगे जिससे कि हमारे मोती और बेल एक जगह फिक्स रहें। अब हम इसको इसमें असेंबल कर देते हैं। तो असेंबल करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया वाइट ग्लू या फेविकॉल। उसके बाद में हमने इस पे पेपर लगा दिया और पेपर के बाद हमने इसको टेप से सिक्योर कर लिया। आप चाहें तो ऊपर से एक और गोल कागज इसमें चिपका सकते हो नीटनेस के लिए। और ये तैयार हो गया हमारा वॉल हैंगिंग। डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स में आप देखिए कैसा लग रहा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए DIYs के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।